ये देखो ये सारा। अभी हम आए हैं म्यूजियम, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। तो ये देखें, अभी हम शुरू करते हैं। ये देखें, ये हिस्ट्री बता रहे हैं कि क्या लड़ाई सुन रहे हैं। ये रमीली आगे की लगी हुई है कुछ करने। मिलियो आगे आगे तो ना ना करो, पूरी पूरी सुनो। ये देखें, तो ये देखें गाइस, ये देखें करते आजम फिर से। सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी ये सर सैयद अहमद है भाई। ये देखें, दिस इज पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। वी नाउ ब्रिंग यू अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन द डॉन ऑफ पाकिस्तान्स इंडिपेंडेंस। तेरह और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियान का 12 बजे हुए सुबह आज़ादी जब बजाद बताया मैंने। ये देखे पूरी सीन है और इधर माँ रो रही है। स्माइलिंग कर दो भाई। ये भाई उसी जमाने का डिब्बा है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ 15 का ही है। चलो हाँ नॉन टच ये फ्रॉम दिल्ली। इट इज द फर्स्ट टाइम आई बिलीव नॉन ऑफिशियल हैज बीन अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द पीपल थ्रू द डिजन ऑफ इट्स पावर। पहले सबसे पहले क्वार्टर है 1.5 पे 4 आने, उसके बाद फिर है 4, फिर भी 4 आना ही है। उसके बाद ये भी 1 पैसा, ये 1 पैसा है, और ये वाला भी 4 आना ही है। ये वाला भी बिफोर पाकिस्तान किधर है, ये बिफोर वाले ही है। आफ्टर है यार, क्या हो गया 1948 से लेके 90 बिफोर पाकिस्तान वाले पता नहीं फिर कहाँ। ये वही 1912 में बना था। हाँ ये देखें, और ये भी हैं ये सारे कॉइन्स, ये वाले इसको खोल ही लेते हैं। पाकिस्तान के 1 साल बनने के बाद ये बना था 1948 में पहला पैसा पाकिस्तान बनने के। 1 पाए, हाँ 1 पाए, 1 सिक्का है ना। और ये इसकी पूरी 1 पैसा भी है यहाँ पे। ये टाइप राइटर है सर, ये क्या है, ये कैलेंडर है उस जमाने का जिसे डेट मारते थे। वाओ योर न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर ये से मानते हैं। ये निशाने आते हलाले इम्तियाज है पहला, दूसरा है निशाने हैदर, वो भी वैसा ही है। नगमे बसालत, सितारे बसालत, तगमाए जुर्रत, सितारा जुर्रत,
और ये देखें दो लंबियां लंबी लड़कियां जो हैं, वाओ लाओ रोको रोको परी रोको परी। ये देखें बस रहने दो, कोई चीज खराब नहीं करने। और ये बैग ये करने के लिए तुम्हें कॉम्प्लेन पीना पड़ेगा। पाकिस्तान नेवी शिप PLS बॉर्डर ये हीरोज की गैलरी है सेपरेट सी। ये हमारे बानी का इतिहास साथ का स्टेचू जो है वो और ये कौम की माँ फातिमा थे ना। मौलाना आज़ाद हुसैन हाली उनकी बायोग्राफी है। आप तो ना क्या कर रही हो बहुत अच्छा है, सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया। हमें ज़रूर चाहिए कि अपने बच्चों को मॉल्स में लेके जाने की बजाय ऐसी हिस्टोरिकल जगहों पे लेके आए ताकि उनको अपनी हिस्ट्री का पता चले कि पाकिस्तान यूँ ही हासिल नहीं किया गया बल्कि इसको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत और बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। कायद आज़म के साथ तस्वीर अगर आपने बनवानी है तो आप इस जमाने में हिस्ट्री भी है और ये सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं और ये माला है, ये वहीद मुराद है, अहमद ये अहमद रशीद है, ये वहीद है, मेहंदी हसन है, ये तो जॉन एरिया लग रहा है मुझे लेजेंड। ये देखिए ये इकबाल बानो है, मलका फुकराज है, सबैदा खानम, रेशमा मफीदा है, ये मशहूर गजल गायक ये सारी मकबूल फिल्मी शख्सियात जिसमें शबनम है, नदीम है, बहुत मज़ा आता है बंदा एक मिनट भी जो कहते हैं ना कि बोर बोरियत बिल्कुल नहीं होती। इन आवाज कर दो गाना नहीं आता मुझे लगता है फिल्म है बस वो वही तो कह रही फिल्म देखने का मजा तो ओहो हो लटक गया बात कर पहली फिल्म है हमारी पहली फिल्म है वो पहली फिल्म नहीं है ये पहली फिल्म है ये क्या सारी पहली फिल्म है द फर्स्ट ये जी स्पोर्ट्स कॉर्नर है सारी हिस्ट्री लिखी हुई है ये हॉकी हमारा घूमी गया ये हॉकी की सोटियाँ देखो ये पोइट्री कॉर्नर है और ये सब टीचर्स हैं है। ये देखें आप जब भी आएँ ये हेडफोन लगा के ज़रूर सुने बहुत मज़ा आता है बहुत इन्जॉय लगता है इंसान हिस्ट्री में ही आ गए।
मज़ा तो नहीं ना आता। तो गाइस हमने ये वो लाहौर जो म्यूज़ियम है नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम उसका विज़िट किया है, बहुत इंजॉय किया है, बहुत जो था इंफॉर्मेटिव था, हिस्ट्री का लगता था कि हम वापस उसी दौर में चले गए हैं, वही ट्रेन का डिब्बा, वही सारी चीज़ें लगता है, हम भी माइग्रेट करके तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं। तो चलें जी, घूमते घूमते शाम हो गई है और ये मेरा काका देखें, खुशी इंजॉय किया आपने? हाँ, बहुत मेमोरेबल ट्रिप है हमारा ये, देखें जी। हाँ जी, ये देखें, ये स्टेज बना हुआ है और ये छोटा सा स्टेडियम सा क्या कॉन्सर्ट वगैरह जो भी फंक्शंस वगैरह यहाँ पर जो होते हैं। खुशी परफॉर्म करेगी? खुशी क्या परफॉर्म करेगी? डू यू वांट टू परफॉर्म समथिंग? नो। चलें जी, अब शाम हो रही है तो अब दो चीज़ तो हमारी रह गई है, मीनारे पाकिस्तान भी। ये देखें कितने ज़्यादा गुट्टे के फूल, आंटी ने तो ऐसे सेम कपड़े पहने, सारा दिन हो गया हमें आए अभी शाम हो। हाँ, हमने सारा दिन बस मीनारे पाकिस्तान देखते और म्यूजियम देखते और ये देखें ये सब हार्ट शेप बने हुए, खाली हो गया। ये देखें अब झूले हैं, खुशी रो रही है कि आप मुझे झूले ले सकते हैं क्योंकि झूले रह गए। तो एक खुशी ने कौन सा झूला लेना है? ये वाला? ये वाला? तो सारा दिन जैसे कि बच्चों ने घूमा फिरा तो अभी हम आए हैं अल फजल रेस्टोरेंट पे, यहाँ पर हम ये सीख कबाब है, रोटियाँ हैं, कढ़ाई है और ये खुशी का जिंगर है क्योंकि खुशी रो रही है कि मैंने जिंगर बर्गर ही खाना है। खुशी हाथ ठीक हो गया है, खा ले अब जल्दी से मेरा बेटा। और फजल का खाना बहुत अच्छा होता है, बड़ा टेस्टी और मज़ेदार होता है और बच्चों के मुंह कमज़ोर हो। फॉरन आफ्टर, ये आफ्टर की है आपको हमने दिखाई थी, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, आप भी आइए ज़रूर विज़िट करिएगा। सैमी को छोड़ा तो नहीं है तुम? सैमी का दांत में दांत में बोटी पास नहीं है शो के लिए। चलें जी, हो गया खाना ख़त्म तो अब हम वापस जा रहे हैं, सारा दिन सैर सपाटा करने के बाद तो ये करना होगा।